in railway station or Wi-Fi in hotel, I would say two things. Never go for any kind of charging your phone in any railway station. Free charging port से नहीं करना है, होते ना आप उधर लगा देते हो। तो पाया गया है, रिसेंट रिपोर्ट आई है हमारे पास कि कंप्रोमाइज हो रहा है आपका डेटा उससे। इसको बोलते हैं जूस जैकिंग। क्या बोलते हैं? दिस साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी इज नोन एज जूस जैकिंग। तो काइंडली बिवेयर ऑफ दिस जूस जैकिंग। और पब्लिक वाईफाई आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज यूअर डेटा इज ए वेरी सेंसिटिव डेटा, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, एवरी क्लासिफाइड थिंग इज देयर इन यूर फोन। आई वुड से डोंट डाउनलोड और कनेक्ट यूर फोन विद सच ए अनरीजनेबल एंड अननोन डिवाइसेज आर नेटवर्किंग, दैट विल टेल अपॉन द हेल्थ ऑफ यूर हाइजीन ऑफ यूर दिस डिवाइस। काइंडली बीवेयर ऑफ दैट। इन जिन जगहों पर आप गए हैं, ये बहुत अच्छी। अच्छा सुनो, जो आप गलत हो ना, ये सुने मेरी बात, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का है ये बात ही की होगी। मैंने गोवा जाना है तो आपको मेल आने स्टार्ट होते हैं, बिकॉज वी आर कैरिंग स्पाई विद अस। ये स्पाई है, ल्यूमिन पीडीएफ से हुआ है इसको 2019 में। ल्यूमिन पीडीएफ कंप्रोमाइज्ड आपका है, ऑथराइज टोकन, ईमेल। लावा भी ये जो पिछला महीना गुजरा, इसमें फुल हमने हर स्कूल में तकरीबन हमने कवर किए, उनमें हमने यही साइबर अवेयरनेस की जानकारी दे दी। और हर सितंबर में हम ये पूरा महीना डेडिकेट कर देते हैं साइबर अवेयरनेस के लिए। ये पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, इसमें कोई भी इन ट्रैप्स में फंस सकता है, चाहे सेक्सटॉर्शन हो या आपका लोन ऐप्स में लोन लेने की बात हो या इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, या आपका कोई फिशिंग अटैक हो सकता है या कोई स्मिशिंग अटैक हो सकता है, आपको आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल ले सकते हैं, या आपका सिम स्वैप हो सकता है। तो सारी चीज़ों की जानकारी हमने यहाँ पर दे दी, ताकि आप भी आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को ये मैसेज चला जाएगा, ये जो अटैक है साइबर अटैक है ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी रिपोर्टेड केसेस है जिसमें ब्यूरोक्रेट के साथ भी कंप्रोमाइज़ हुआ उनका डेटा, या उनके व्हाट्सअप या आइडेंटिटी थेफ्ट हुई उनके साथ, या उनके नाम पर लोगों से पैसे लिए गए। और आम इंसान शॉपकीपर ऑनलाइन शॉपिंग में ये चीज़ें हुई, इवन कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ भी ये दुर्घटनाएं घटी हैं, ये साइबर क्राइम या साइबर अपराध हुआ है। हमारी यही कोशिश है कि हम 99% चाहते हैं कि हम इस साइबर अपराध को, हमारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है साइबर टिमशल करके, जिसमें हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, ताकि 99% हम प्रिवेंटिव मेजर करें कोविड की तरह। 1% में अगर आ भी जाएगा तो हम पुलिस स्टेशन से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके, तो साइबर पुलिस J&K वैसे भी अच्छा काम कर रही है और क्राइम डिपार्टमेंट भी अच्छा काम कर रहा है, वो भी हेल्प कर रहा है इनको सॉर्ट आउट करने में, मगर अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हर लेवल पर हो रही है। थैंक यू। मिशन की तरफ से एक साइबर जो क्राइम को लेके हमारे कुछ ऑफिशियल्स कुछ इसके शिकार हुए थे रिसेंटली, उसकी सीबीआईटी को देखते हुए हमें खुद भी जो कि हमें पहले हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी सेंसिटाइज करें, और सबसे वजह हमने ये सोचा कि हमारी चीज़ों को जो हमने SSP साहब को जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं, हमने इनको बड़े शॉर्ट नोटिस में बोला कि आप हमें हमारे डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज करें प्लस मीडिया को करें, क्योंकि अगर मीडिया ही है जो वन को 100,000 में मल्टीप्लाई करके आप लोगों तक ये स्प्रेड करेंगे। बात पर्पज़ ये नहीं है कि एक जो सिंपल सी एक वर्कशॉप करा दी और हो गया, एक रूटीन का एक काम हो गया, नहीं, हमारा मेन पर्पज़ ये है कि सच में लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, जो शिकार हो रहे हैं बच्चे, लेडीज़, जेंट्स, बुज़ुर्ग, जैसे आपने देखा इन्होंने वीडियोज़ को लेकर कहा कि आपके आपको अगर कोई फेक वीडियो कॉल आती है उठाने के बाद क्या हो जाता है, बड़े लोगों ने ऐसे मतलब कि ओवर रिएक्ट इसके ऊपर, मतलब लॉस हुआ है कुछ फैमिलीज़ का, बच्चों को शर्मिंदगी हो गई है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया। इसी चीज़ को लेके मुझे भी आपका भी बहुत अच्छा लगा, सबने जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आप लोगों ने क्वेश्चनिंग करी, इसका मतलब हमें ये नहीं लगा कि आप एक न्यूज़ कवर करने आए थे, आप खुद भी सेंसिटाइज हो रहे थे। ये हमारा एक पर्पज़, मुझे खुशी हुई इस बात को लेकर कि हम इसमें हमारा एक मिशन सॉल्व पूरा हुआ कि एक डिपार्टमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया आपके दिल को भी छुआ, और होप कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे लोगों को उधमपुर के, जम्मू के, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे पूरा जम्मू कश्मीर इसको सुनेगा आपके माध्यम के थ्रू और अपने आप को सेफ सिक्योर अपने अपने बच्चों को करेगा। थैंक यू। प्राइवेट
कच्चा चिट्ठा जिसको हम बोलते हैं देश में, तो छोटी मोटी एक्सरसाइज से हमने आपको ही सक्षम बना दिया कि आप अपने लेवल पर अपनी साइट, अपना ईमेल, अपना इसको सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी चीजें आई विल शेयर दैट पीपीटी।